बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हकायक और मैं हूँ हमाद। नाजरीन किराम, जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी, कसूर जिंसी जरायम का गढ़ बनता चला जा रहा है और जिंसी जरायम पर किसी भी हद तक काबू पाना दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि काबू पाना नामुमकिन होता चला जा रहा है। हमारी इंतजामिया बिल्कुल बेबस होती चली जा रही है। इसी तरह का एक और अफसोस वाकया एक बार फिर कसूर के अंदर पेश आया है। कसूर के इलाका मंडीडीह उस्मानवाला में 11 साल बच्ची को 8 महीने तक ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा और ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जिस वक्त बच्ची हमला हो गई। जी हाँ नाजरीन, मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्ची का अपना बहनोई है। बच्ची के बहनोई ने बच्ची को 8 महीने तक मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची के हमला हो जाने के बाद अहले खाना ने जब उसे पूछा तो बच्ची ने सारी तफसीलात अपने अहले खाना को बयान की। नाज़रीन किराम, तफसीलात के मुताबिक बच्ची की वालदा की वफात के बाद बच्ची घर में अकेली थी कि मुलजिम ने उसके साथ जिंसी ज्यादती की और ज़बरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया। 11 साल की मासूम बच्ची के साथ मुलजिम ने ये घिनौना खेल करने के साथ साथ उसकी वीडियो भी बना ली और वीडियो बनाकर बच्ची को ब्लैकमेल करता रहा। बच्ची को ब्लैकमेल करने के साथ साथ उसे कहता रहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। तो नाज़रीन किराम, ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया जिला कसूर के इलाका मंडी उस्मानवाला में पेश आया, जहां पर 11 साल बच्ची को 8 महीने तक मुलजिम कुर्बान ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा, उसको ज्यादती का निशाना बनाता रहा और उसकी बहन को छोड़ने की धमकी देता रहा। मासूम बच्ची है, जाहिर सी बात है वो डर के मारे उसने किसी के साथ ये बात शेयर नहीं की और बिलाखिर ये भेद तो खुलना ही था कि 8 महीने तक बच्ची को मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा और जब बच्ची हमला हो गई तो जाहिर सी बात है उसके वालदैन ने उससे पूछना तो था कि ये मामला क्या है, ये हकीकत क्या है। तो जब पूछा तो ये हकीकत सामने आई कि बच्ची का बहनोई कुर्बान ही उसे 8 महीने से मुसलसल ज्यादती का निशाना बना रहा है और उसकी बहन को तलाक दे देने की धमकी के साथ साथ वीडियो बनाकर भी ब्लैकमेल कर रहा है। जी हां नाज़रीन, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करके उसको जुडिशियल कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये सवाल है कि हमारे माशरे के अंदर और खास तौर पर जिला कसूर के अंदर जिंसी जरायम का रुझान इस हद तक क्यों बढ़ता चला जा रहा है? आखिर कौन सी ऐसी वजह है, किस वजह से हमारे लोगों के अंदर, हमारे आम माहौल के अंदर, हमारे आम माशरे के अंदर ये जिंसी जरायम का सिलसिला चल निकला है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसा तूफान आए हमारे माशरे को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करे। ये सवाल हमें खुद को सोचना चाहिए, हमारे तमाम लोगों को सोचना चाहिए, हमारे तमाम इदारों को सोचना चाहिए, इसकी वजूहात को तलाश करके ऐसे वाकयात के सदेबाब के लिए इकदाम करने चाहिए।